हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कि आपकी है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2024, जिसे हम एसएससी सीपीओ 2024 की भर्ती के नाम से जानते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या है भर्ती, कौन से पोस्ट के लिए एग्जाम है, क्या किस कुछ इसमें पूछा गया है, फॉर्म फीस वगैरह क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन सिलेबस सैलरी क्या मिलने वाली है, पूरा कुछ डिटेल में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाने। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों, 4 मार्च से भरे जाना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 28 मार्च रखी गई। लास्ट डेट फिर से मैं बता देता हूँ कि 28 मार्च रखी गई है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट के लिए लास्ट डेट 1 डे एक्स्ट्रा है, 30 मार्च। ठीक है, चलिए। अगर आपको कोई भी करेक्शंस कराना है तो उसके लिए आप जो है 30 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच करेक्शन करा सकते हैं, उसका एक पेमेंट अलग से लगता है, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। बात कर लें इसका जो प्री एग्जाम हुआ यानी कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होने वाला है, वो आपका 9, 10 एंड 13 मई 2024 में होने वाला है। तो काफी अच्छा आपके पास समय मिल जाता है, यानी कि मार्च लगभग लगभग पूरा ही मिल जाता है आपको, अप्रैल मिल जाता है और मई छोड़ देंगे तो आपके पास मोटे मोटे 60 डेज आपके पास मिल जाते हैं इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दो पोस्ट है, एक है आपकी सब इंस्पेक्टर इन जीडी है ना, इन सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, जो कि आपकी दो पोस्ट है, कैरी करेगी पे स्केल ऑफ लेवल 6, यानी कि आपका जो बेसिक होगा वो 35,400 होगा, 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपकी ये सैलरी जाएगी है ना। तो इसमें इन हैंड जो आपको सैलरी मिलेगी 35,000 के से, अगर आपका बेसिक पे है तो आपको कहीं ना कहीं 65K के अराउंड जो आपकी सैलरी वो पड़ेगी। इसके अलावा अदर अलाउंस भी आपको मिलने वाला, और एक ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की बात करें, ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल है दिल्ली पुलिस में, तो उसके लिए जो उसकी भी पोस्ट है लेवल 6 की पोस्ट है, उसको भी 65K के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी जो है यहाँ पर मिलने वाली, बट ये ग्रुप सी की पोस्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। दोस्तों, वैकेंसी कितनी निकाली हुई है, पोस्ट तो आपको बता दी कौन कौन सी है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो टोटल जो टेंटेटिव वैकेंसी है कैटेगरी वाइज वो कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, मेल फीमेल की अलग निकल दी है, जो कि आपकी दिल्ली पुलिस में है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। मेल के लिए बात कर लेते हैं, मेल के लिए कितनी पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी है यू आर है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पर टोटल आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये ओपन वालों के लिए 45, 24, 13, 7, 12, ठीक है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ये एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, और ये एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी है, और ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं। टोटल यहाँ पर यू आर के लिए 56 है, ओबीसी के लिए 30 वैकेंसी है, एससी के लिए 17 वैकेंसी है, एसटी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, कुल मिलाकर यहाँ पर 125 वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। वहीं बात कर लें कि फीमेल के लिए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, तो फीमेल के लिए कुल 61 वैकेंसी निकली हुई है, आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों सब इंस्पेक्टर जीडी में और सीएपीएफ में जो वैकेंसी वाइज डिटेल है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो सीएपीएफ होती है यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो होती है आपकी, उसमें अलग अलग आपके जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आते हैं, जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीएएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, तो कुल 5 से 6 तरीके के हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल दी जाती है। ठीक है, जिसमें आप देखिए यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है ना, और मेल या फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी आपकी लिखी हुई है, और यहाँ पर टोटल आपका लिखा हुआ है, यानी बीएसएफ में कुल मेल के लिए 847 और फीमेल के लिए कुल 45 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल बात कर ले मेल के लिए तो टोटल है 3,693 वैकेंसी, और वहीं फीमेल के लिए 308, टोटल हो जाएगा आपका 4,001 वैकेंसी ये हो गई ना, और ऊपर वाली कुछ मिला के यहाँ पर वैकेंसी आती है। तो मोटा मोटा 4,500 के 4,500 के अराउंड आपके यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। भविष्य में ये संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, चलिए। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ एसआई इन सीएपीएफ, यानी कि अगर आप सीएपीएफ में अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी जॉब दी जा सकती है। वहीं अगर आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होता है तो केवल आपको दिल्ली में ही जॉब दी जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है। ठीक है, तो इसकी जो एज लिमिट है देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि आपकी जो पहली सबसे पहली बात है कि एज की कैलकुलेशन जो की जाएगी वो 1/8/2024 से की जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ द क्रूशियल डेट ऑफ एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स एट 1 अगस्त 2023 से किया है, इन अकॉर्डेंस विद दी प्रोविजन ऑफ डीओपीटी। ठीक है, चलिए एज लिमिट की बात करें, फॉर द पोस्ट इज 20 से 25, यानी कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 साल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी वाइज हमें देखने को मिलता है। एससी एसटी को 5 साल के लिए, ओबीसी को यहाँ पर 3 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन को 3 साल के लिए यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिला है, बाकी अदर भी है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि क्या इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों अगली चीज है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या मांगी है, यानी कौन सी डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास 1 अगस्त 2024 तक का समय है। अगर यहाँ तक आपके पास बैचलर डिग्री, केवल बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी है, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना 1 अगस्त 2024 को आपके हाथ में आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म भर रहे हो और अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो, तो आपके पास यहाँ पर मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल एंड कार, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल जो होता है उसका आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि आपको ड्राइवरी भी करवा सकते हैं वहां पर, ठीक है। ठीक है, ऑन द डेट फिक्स फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, किस डेट में चाहिए आपको, जब आपका फिजिकल एंड्योरेंस यानी कि फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट होता है और जो आपके मेडिकल टेस्ट 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 वगैरह होते हैं, तब तक आपके पास जो LMV है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फीमेल यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि द मेल कैंडिडेट हु डू नॉट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CAPF ओनली, ठीक है। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए भरते हैं तो आपके पास ये कंपलसरी होनी चाहिए, वहीं CAPF के लिए आप भरते हैं तो आपको ये LMV की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इस चीज़ के ध्यान। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक ये दे रखा है, तो आप यहाँ पर जाकर इस लिंक पर क्लिक करके इसको जो है फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका मैं डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से भी आप जाके ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात कर ले, कितनी फीस है, तो फीस रखी गई है 100 रुपए, वहीं SC ST और वुमेन को 0 फीस यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं इसमें दोस्तों, जो मेन पॉइंट है वो है आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मालूम है SSC रीजन वाइज काम करती है, अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एग्जाम सेंटर है कुछ इस तरीके के होंगे, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, इस तरीके के, ठीक है। और बाकी आप अपना जो रीजन पड़ता है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आते हैं, तो इसमें दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर इसके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि अब जब आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए इसके पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा और उसका डिटेल सिलेबस क्या है। तो चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सब देख लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर फर्स्ट, यानी कि आपका पहले पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ठीक है, फिर आपके क्या होगा जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह है वो आपके यहाँ पर होंगे, ठीक है, कॉमा पेपर टू एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है, पेपर टू होगा एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद ऑल दीज स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी डिटेल्स ऑफ दीज पेपर टेस्ट आर फॉलोज, ठीक है। तो चलिए पेपर फर्स्ट में देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए पेपर फर्स्ट में आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसके बाद मैथ्स रहेगा और इसके बाद आपका इंग्लिश रहने वाला है, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 50 प्रत्येक से पूछे जाएंगे, प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स यानी कि 50 50 50 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित है। टाइम आपको 2 घंटे का यहाँ पर दिया जाएगा और 0.25 की निगेटिव मार्किंग रखी है, यानी कि 1/4 की, अगर 4 क्वेश्चन गलत करते तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद पेपर सेकंड होगा, पेपर सेकंड में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा, कुल मिला के 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर रहेगा आपका, 200 मार्क्स आपको दिएंगे, इसके लिए 2 घंटे रहेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसमें तो आपको इंग्लिश के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो इंग्लिश को आप अभी से जो है तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई विद्यार्थी NCC का सर्टिफिकेट अगर होल्डर है तब तक 1 अगस्त 2024 तक, तो उसको निम्न तरीके से यहाँ पर मार्क्स में छूट प्रदान की जाएगी। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग से देख सकते हैं कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, ठीक है। चलिए अब इंडिकेटिव सिलेबस देख लेते हैं फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो पूरा जो सिलेबस आपका जैसे पेपर फर्स्ट होगा तो उसमें रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे यहाँ पर पूरे डिटेल में दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए कौन से टॉपिक है वो आपको सारे दिख जाएंगे, जनरल नॉलेज, अवेयर जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, इसमें देखिए एलजेब्रा, ट्राइंगल वगैरह है ना, लीनियर इक्वेशन यानी कि इसमें आपका पॉलीगंस वगैरह यानी कि एडवांस मैथ और जो आपका अर्थमेटिक है दोनों ही इसमें पूछे जाना। इसके बाद इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर देखा है। पेपर सेकंड में जो इंग्लिश आएगी उसमें क्या क्या पूछा जाएगा इसका भी डिटेल सिलेबस इन्होंने दे रखा है, तो इसको आप चेकआउट जरूर करिएगा। मैं टेलीग्राम पर इसका जो PDF है वो डाल दूंगा, वहां से आप लेकर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो हमारे चैनल का नाम है द एग्जाम हेल्पर, वही आपके जो टेलीग्राम है उस चैनल का नाम भी है, ठीक है। तो और इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए अगला देख लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PSC या
एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पीटी में आपका क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप अगर मेल कैंडिडेट है और अगर आप यूआर से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, है ना, एससी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए हाइट जो है 170 मांगी गई है और आपका जो चेस्ट है, सीना जो है वो बिना फुलाए 80 और फुला के 85 आपका होना चाहिए। वहीं आप अगर इन रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है 165, 80 और 85 सेम है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हाइट आपकी 162.5 है, चेस्ट आपकी 77 से लेकर 82 तक पहुंचिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट की अगर बात कर ले तो 157 है, चेस्ट इनमें नहीं देखा जाता है, ठीक है। चलिए बाकी इन कैटेगरी से बिलोंग, इन रीजन से बिलोंग करते हैं तो 155, और एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 154 आपकी हाइट होनी चाहिए। बात कर लेते हैं वेट कितना होना चाहिए, तो वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसका कोई इशू नहीं रहता है। बात कर लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपका क्या क्या होगा। तो मेल कैंडिडेट की बात करें, 100 मीटर आपसे रनिंग कराई जाएगी 16 सेकंड में, फिर 1.6 किलोमीटर की रेस कराई जाएगी आपकी 6.5 मिनट, यानी कि 6.5 मिनट्स में, ठीक है। फिर ये 6.5 नहीं होगा, 6 मिनट 50 सेकंड होगा, ठीक है, या 6.5 मिनट भी बोल सकते हैं, जो भी है, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग जंप होगी आपकी 3.65 मीटर की, इन 3 चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप होगी आपकी 1.2 मीटर की, जिसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट पुट आपको फेंकना होगा 16 लैप्स, है ना, 16 LBS, जिसमें 4.5 मीटर इन 3 चांस आपको दिए जाएंगे, ना। 16 LBS मतलब 16 जो इसकी जो यूनिट है, इसका जो वजन मापने की उसका, और 4.5 मीटर फेंकना है आपको, 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स की यदि हम बात कर ले तो 100 मीटर की रेस रहेगी आपकी 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस रहेगी 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांस, हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस, ठीक है। देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर दी फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। तो चेस्ट आपकी फीमेल में नहीं मेजरमेंट की जाती है। इसके बाद लिखा है कि पीएससी एंड पीटी जो आपका होगा, इसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, जो आपका सिलेक्शन होगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अकॉर्डिंग होने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा सारी पोस्ट के लिए, जिसमें आपके वेरियस तरीके के आपके जो मेजरमेंट्स है यहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही साथ आपकी आई भी यहाँ पर बहुत होना चाहिए, इसके जो 6x6 बेटर है, 6x9 बेस्ट है, तो ठीक है, यहाँ पर पूरा डिटेल भी दिया हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है, कौन कौन सी आई चाहिए। इसके अलावा जो आपके फिजिकल एंड जो मेडिकल टेस्ट है, उसमें आपसे और भी सारी चीजें कराई जाएंगी, जैसे जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, टार्जन स्विंग, हॉरिजॉन्टल बोर्ड पर जंपिंग करना, पैरेलल रूप हो गया, मंकी क्रॉल हो गया, वर्टिकल रूप हो गया, ये सब आपसे कराया जाएगा। टैटू का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर किसी के हाथ में टैटू वगैरह है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं किया जाने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद और डिटेल में हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रह गई है, ठीक है। डीबी वगैरह सब आपका जो उसके बाद हो जाएगा फाइनल में जाके, जो आपका डॉक्यूमेंट मेडिकल्स वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर ले कि सिलेक्शन किस तरीके से होना है, ठीक है। तो यही है कि ऑल कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन बाय द क्लोजिंग डेट एंड टाइम एंड हुज एप्लीकेशन आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर एंड आर प्रोविजनली एक्सेप्टेड बाय द कमीशन एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी असाइंड रोल नंबर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है मोड ऑफ सिलेक्शन ये रहने वाला है, यानी फॉर्म वगैरह भर देना, पेपर होगा आपका, पेपर सेकंड होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, पीएससी होगा, इसके बाद मेडिकल होगा, और फिर डीबी होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बातें थी इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपको बता दिए कि क्या कौन सी बात है इसमें देखी गई थी, ठीक है। तो ये आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा दोस्तों, और इसका मैं नोटिफिकेशन जो है दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, या आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर सर्च करेंगे द एग्जाम हेल्पर, तो वहां से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल द एग्जाम हेल्पर को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।